चार घंटे से ज़्यादा इस ऐतिहासिक जगह पर आप सब बैठे हैं और कई साथियों के विचार आप सबों ने सुना। अभी ज़्यादा बोलने की समय नहीं, आवश्यकता भी नहीं है। आज के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए ये हॉल जो है इसकी कैपेसिटी 5,000 की है और हॉल के बाहर 2,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता मंडप में बैठे हैं। तो इतने थोड़े दिन में देश के हर राज्य से 7,000 कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और राष्ट्रवादी कांग्रेस को मजबूत करने की आज शपथ ले रहे आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। इसके बाद अपने राज्य में आप वापिस जाएंगे, वहाँ जाकर क्या करना है, चार पांच कार्यक्रम हम लोगों को हाथ में लेना होगा। पहला कार्यक्रम यह है कि अगले कुछ महीने में देश के कई राज्यों में नगर परिषद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत इसका चुनाव आएगा और देश के कई राज्यों में आ रहा है। एक मौका हम लोगों के सामने है, इस चुनाव का लाभ हम लेकर लीडरशिप की नई फेरी तैयार करना। ये एक मौका हम लोगों को मिल रहा है और इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से राज्य के यहाँ प्रमुख, राज्य के संगठन के प्रमुख, जिला संगठन के प्रमुख उनको संदेश देना चाहता हूँ कि यह जो चुनाव आने वाला है ये चुनाव में कानून के मुताबिक 50-25 जगह महिलाओं को तो देनी होगी मगर साथ साथ जो उम्मीदवार का चयन आप करेंगे इसमें कम से कम 50-25 नौजवान यूथ वहाँ दिखना ही चाहिए। सभी संगठन के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष इनके लिए ये कंपल्शन है कि उन्होंने नौजवान साथी को मौका देना अपना कर्तव्य है। इससे एक नई लीडरशिप तैयार हो जाएगी। यह क्रमांक एक का कार्यक्रम। दूसरा, यहाँ से जाने के बाद राज्य के प्रमुख, जिला के प्रमुख इन सभी साथियों ने बैठकर आगे की हमारी नीति जिले में राज्य में क्या रहेगी इस पर बहस करने की आवश्यकता। आज जिन राजनीतिक दलों की विचारधारा आपके नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी है, उन्हें दूर रखने के लिए जिनकी तैयारी है, ऐसे समविचारी जो राजनीतिक दल है इनके साथ अच्छे रिश्ते रखकर मिलकर कोई कार्यक्रम हम ले सकते हैं क्या, इस पर हमें ध्यान देना होगा।
तीसरा जनता की समस्या होती है, चाहे महंगाई की हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, ऐसे जो इश्यूज है, इन इश्यूज को हाथ में लेकर सड़क पर उतरना और शांतिपूर्ण माध्यम से संघर्ष करना, इसकी ही तैयारी हम लोगों को करनी होगी। इस संघर्ष से एक नया नेतृत्व ये तैयार हो सकता है, ये काम आप लोगों को करना ही होगा। और आखिरी मुद्दा, अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष जी ने कहा कि एक घंटा देने के लिए महीने का कुछ उन्होंने एक कार्यक्रम आपको दे दिया। मेरा सुझाव दूसरा है, जो फातिह साहब ने कहा वो तो करिए, मगर हफ्ते में कम से कम दो दिन पूरे पार्टी संगठन के लिए आपने देने की आवश्यकता है। आप हफ्ते में दो दिन पार्टी के लिए देंगे, लोगों की समस्या हल करने के लिए देंगे, संघर्ष करने की आवश्यकता है इसके लिए देंगे, जहां अन्याय अत्याचार है इसके खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के लिए आप दो दिन देंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप जनता और आपके रिश्ते बहुत नज़दीक आएंगे और आपका नेतृत्व इससे मजबूत होगा। और इसीलिए आज कई विचारधारा आप लोगों के सामने रखी गई, मगर जो संक्षिप्त में छोटा कार्यक्रम लेकर हम यहाँ से जाएंगे, ये कार्यक्रम मैंने आप लोगों के सामने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये गंभीरता से लेंगे और आगे जाकर जनता से संपर्क ज़्यादा सक्रिय के लिए आप मेहनत करेंगे। यहाँ का अधिवेशन आयोजित करने के लिए जो यूथ कांग्रेस और विद्यार्थी कांग्रेस, इनके सभी साथियों ने जो मेहनत की, जो अच्छा इंतजाम किया, इन सभी को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ और आपसे इजाजत देता हूँ। जय हिंद। अभी आप जल्दबाजी मत करिए सोनिया।